हेलो एवरीवन, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। वेलकम यू गाइस टू माय चैनल शिवांगी मेडिको। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाना चाहते हैं, एंड वो जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा बुक पढ़े जिससे कि 360 बायो में आ सकता है, और कितना बुक पढ़ना चाहिए, और एक और चीज़ की कैसे पढ़ना चाहिए बायोलॉजी को। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना। अगर एंड तक नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा बुक आपको पढ़नी चाहिए। आपके पास कोई ना कोई कंफ्यूजन रह जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा कि और कौन कौन सा बुक प्रेफर कर सकते हैं, सो दैट मेरा और भी ज़्यादा फर्दर मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखना। एंड में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मे बी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग 12th की एनसीईआरटी लेकर के बैठ जाओ, सो दैट मैं जो भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करूँ तो आप लोग उसको एनसीईआरटी से देख सको, और क्वेश्चन भी मैं डिस्प्ले कर दूंगी तो आप लोग दोनों को मिला सकते हो। तो 12th में हम लोग सबसे पहले जो है वो बॉटनी सेक्शन करेंगे, और बॉटनी सेक्शन में से जितने भी 12th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए हैं तो सबसे पहले उसको करेंगे। तो फर्स्ट आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है कि टू डिटरमाइन करने के लिए जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट एट F2 जनरेशन मेंडल क्रॉस अ टॉल प्लांट फ्रॉम विद अ ड्वार्फ प्लांट, तो दिस इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। तो उसका आंसर डायरेक्टली यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ओके, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन के क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है वो 231 पेज नंबर से आया हुआ है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। तो यहाँ पे वर्ल्ड स्पियोलॉजिस्टिक ग्रोथ का जहाँ पे के है आपका कैरिंग कैपेसिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैथ द फ्लोइंग करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आया हुआ है। तो पहले क्या, क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम, क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम किधर है, तो यहाँ पे देखते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम है, ये एक बैक्टीरिया है ऑफ ब्यूट्रिक एसिड का, ठीक है। तो इसको हम लोग किससे मिला देंगे, ब्यूट्रिक एसिड, तो एक है क्या आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर सेकेंड है सैक्रोमाइसिस एरिविशियाई, ठीक है, ये एक ईस्ट है सैक्रोमाइसिस एरिविशियाई जिसका यूज होता है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल बी का क्या ऑप्शन हो जाएगा, वन हो जाएगा। एंड देन सी है ट्राइकोडर्मा, अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इट इज प्रोड्यूस बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। तो जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो हमारा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है जो कि किससे प्रोड्यूस होता है, तुम्हारा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। तो इसको हम लोग सी का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। देन जो लास्ट बचा स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस, वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये सारा हम लोग इससे मिल गया, तो ये 183। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी के बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के 264 पेज नंबर से आया हुआ है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसको एविल क्वार्टर भी बोलते हैं। पहला जो होगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड जो हो जाएगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, फिर एलियन स्पेसीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन है, एंड जो डी ऑप्शन है वो है। अगर आपने एनसीईआरटी का ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा होगा तो आपका ये आंसर एकदम ईजिली कर सकते हो कि इसी पे पूरा बेस्ट है। इसमें होता है क्या कि जो रेड है उसको व्हाइट के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो आइडियली हम लोग क्या मिलना चाहिए, रेड मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिलता है पिंक, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ये पूरा अपना डोमिनेंसी पूरे 100% तरीके से शो नहीं करता है। तो बोला क्या कि पिंक को रेड से क्रॉस कराना, इसको इससे क्रॉस करा के आप देखो, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो ये एनसीईआरटी से, इसको ये नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के 117 पेज नंबर से आया हुआ है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से। तो यहाँ पे दिया हुआ है एकदम डायरेक्टली कि इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमीज। तो ये डायरेक्टली लाइन से क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आया हुआ है, इस वाले लाइन से कि थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे आर प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। इसको क्या बोलेंगे, एक सीतु कंजर्वेशन बोलेंगे, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो ये ऑप्शन में नहीं है तो ये किसका टाइप है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। तो ये वॉट से पता करना है कि कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्टली दे सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो पहला ऑप्शन है, पहला जो दिया हुआ है कि जो वेलिस्नेरिया जो फ्लावर है वो कलरफुल एंड प्रोड्यूस करता है नेक्टार। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में दिया हुआ है कि बोथ वाटर एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, क्योंकि वेलिस्नेरिया जो है
वो वाटर पॉलिनेटेड जो प्लांट होता है उसका एग्जाम्पल है। सम एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनेटेड स्पीसीज आर वेलिसनेरिया एंड हाइड्रोफिला। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर। तो ये वाला जो है कि मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली आर फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर एंड पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट और विंड इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जैसे कि लैंड प्लांट में होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये भी तुम्हारा करेक्ट है। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलिनेटर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, तो ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है। लेकिन इसको देखते बुक से, तो इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलिनेटर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि पॉलिन ग्रेन्स ऑफ सब हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिवर लाइक। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉलिन ग्रेन इन मैनी सच स्पेसिस, सच स्पेसिस अभी हाइड्रोफाइट्स का ही बात हो रहा है तो वही हो गया, तो हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा, इन सम हाइड्रोफाइट द पॉलिन ग्रेन्स आर कैरिड पॉसिबली इन साइड वाटर। तो इसी के आगे तुम्हारा कंटिन्यू किया हुआ है, देखो एंड दे आर कैरिड पैसिवली इन साइड द वाटर। तो देख रहे हो कि इस, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस पैरे से इसने उठा करके करेक्ट स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन बना दिया था, और यहाँ पे एक लाइन से दो क्वेश्चन आए हैं। मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया जिसमें मैंने कि बताया भी है कि आपका पूरे एक साल का प्लानिंग क्या होना चाहिए, बायो कैसे पढ़े, फिजिक्स कैसे पढ़े, केमिस्ट्री कैसे पढ़े, तो उसमें मैंने बायो के लिए ये चीज़ आपको बताए रखी है। अगर आप बायो का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नीट में। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको एकदम लाइव एग्जांपल दिया। ये जो क्वेश्चन था वो नीट का क्वेश्चन था, 2024 का क्वेश्चन था। इसमें एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लाइन से दो क्वेश्चन। अगर जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी को क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ा होगा, उसके लाइन को क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ा होगा, तो उसने ये क्वेश्चन ज़रूर सही करे होंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे ही पढ़ते हो ना थ्योरी की तरह, तो आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है हाँ ये सही है, मुझे आ रहा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ते हो तो आपके पास वो चीज़ें जाती हैं, दिमाग में सेट हो जाता है कि यार अगर इस लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये क्वेश्चन बन सकता है तो मेरे को आएगा या नहीं आएगा, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका है कि आप हर एक लाइन को उठाओ और उससे एनालाइज करो कि क्वेश्चन क्या इससे बन रहे हैं। मैं बीच बीच में ऐसे आपको बहुत सारी टिप्स बताती रहूंगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक पूरा पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पूरा टिप्स पता चल जाए कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है और क्या और अदर बुक पढ़नी है या नहीं। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ये आंसर जो है तुम्हारा कहाँ पे, 209 पेज नंबर पर, 208 पेज नंबर पे हम लोग को इसका आंसर मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से। तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसीज एंड इज कोडेड बाई अ जीन क्राई फर्स्ट ए सी नेम्ड क्राई। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट की हम लोग इधर रेफर करेंगे इस वाले पेज पे। तो यहाँ तो क्योंकि पीटी टॉक्सिन जो होता है ना प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस होता है एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्टेड inactive toxin it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut। यहाँ पे क्या दिया हुआ, alkaline, लेकिन question में क्या दिया हुआ है कि acidic pH of insect gut। तो ये statement हमारा incorrect हो गया। तो first statement correct है, second जो है incorrect है। अब चलते हैं next question की तरफ of। तो ये question जो है biotechnology से आया हुआ है, 195 page number। यहाँ पे देखो कि in second always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence ऑफ सिक्स बेस पेयर। तो यहाँ पे देखो सिक्स कैसे लिखा हुआ है, एस आई एक्स, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में आया वो सिक्स डिजिट में आया हुआ है। तो इन सब बेसिक चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। एंड अगर आप लाइन बाई लाइन अगर एन सी आर टी को पढ़ते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही मैं आगे आप लोग को बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूँगी कि कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग खुद ही पता कर लोगे। अगर ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आप लोग को पता चलेगा कौन सा तुम्हारा जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इवेल्युएट कर लोगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे पढ़ना है। क्योंकि अगर आप अभी ये वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा किस किस लाइन से क्वेश्चन उठ करके आए, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा रिलेटेड बायो, ओके, और कैसे पढ़े, कितना बुक पढ़े, क्या पढ़े, ये सारी चीज़ों का आपका आंसर मिलेगा इस वीडियो में। सो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। एंड जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आया होती कि आप फिगर देख के भी इसका आंसर कर सकते हो। और इसको स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है, तो प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 एंड अप स्ट्रीम, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है वो कि टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 एंड
डाउन स्ट्रीम, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रोमोटर अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इसको अरेंज करना है, तो प्रोमोटर हो जाएगा तुम्हारा अप स्ट्रीम, लास्ट में क्या हो जाएगा तुम्हारा टर्मिनेटर, तो जो बचा वो बीच में, क्योंकि तीन ही चीज है। तो ये देखो एकदम लाइन से उठ के क्वेश्चन आया, और या फिर इसको कहो फिगर से उठ के क्वेश्चन आया हुआ, प्रोमोटर स्ट्रक्चर एंड देन टर्मिनेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, 106 पेज नंबर पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन एंड दैट इज 5-2-3 डायरेक्शन। तो इसका आंसर एकदम सिंपली मिल गया। आपसे आएंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे, चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक आप लोग को आइडिया लग चुका होगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में कि रॉबर्ट में ऑल्सो प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। नेक्स्ट है एक्सेलेंडर वॉन हमडोल्ट, तो एक्सेलेंडर वॉन हमडोल्ट ने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो एक्सेलेंडर वॉन हमडोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन स्पेसिस रिचनेस इंक्रीज्ड विथ, एक्सेलेंडर वॉन हमडोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पेसिस रिचनेस इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। तो ये जो हमारे दिए हुए क्या दिए हुए हैं, स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताए हुए हैं। देन हमारे हैं पॉल एरेलिच, तो पॉल एरेलिच जो है वो एक हाइपोथेसिस प्रपोज किए थे जिसको बोलते हैं रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवर्स पॉपर हाइपोथेसिस। ओके नेक्स्ट है हमारा डेविड टिलमन, तो डेविड टिलमन जो भाई साहब है उन्होंने क्या कराया, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट कराया यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। तो अगर आप लाइन से अच्छे से पढ़ते हो एनसीईआरटी को तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, यूं आप देख करके इसको आंसर कर सकते थे, बट अगेन इम्पॉर्टेंट कि आपने लाइन से तो पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन करा हो। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई मीन एक्सट्रीम। अगर आपने 10-12 बार 13 बार 14 बार पढ़ा है एनसीईआरटी को तब आप देखोगे और आप आंसर कर पाओगे, तो ये तभी ईजी है। ऐसे नहीं कि मैं बोल दूंगी, ठीक है, सबको पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है लेकिन सबके उतने मार्क्स नहीं आ पाते, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी को एक सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, एंड रिवीजन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसने कितनी बार रिवीजन करी है, कौन किस तरीके से इस लाइन को देखता है, कौन क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ता है, कौन ऐसे ही बस जस्ट पढ़ता है, क्योंकि ऐसे देख के लगे कि हाँ जस्ट पढ़ रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं तो देर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आया हुआ है अलग अलग पेज से। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये किसने दिया हुआ है, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे देखो मैसेलसन एंड स्टॉल ने जो है एंड फ्रैंकलिन मैसेलसन स्टॉल इसको साथ में बोलेंगे, तो इसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, ठीक। फिर नेक्स्ट जो आता है हम लोग का हरगोबिंद खुराना के बारे में, तो यहाँ पे देखो हरगोबिंद खुराना के बारे में दिया हुआ, अगर आप लाइन से पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी हरगोबिंद खुराना ने क्या क्या हुआ है। हरगोबिंद खुराना वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आर एन ए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ये हो गए। फिर नेक्स्ट हमारा है लैक ऑपरॉन किसने दिया है, तो फ्रैंकोसिस जैकोब एंड जैक्यू मोनार्ड। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूलॉजी में भी हम लोग पहले 12th एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि द फ्लीपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जांपल ऑफ, तो ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो ये इस लाइन से क्वेश्चन है कि द फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन ये किसके एग्जांपल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, तो इसका ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो ये जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया हुआ है, तो ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन इसको बोल सकते, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्या फिगर को ना तुम्हारे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया हुआ है। तो ये देखो फैलोपियन ट्यूब का क्या होता है, कंपोनेंट इनफंडिबुलम एम्पुला एंड इस समझ, तो इस क्वेश्चन से हम लोग को ये भी समझने को मिलता है कि क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट अगर इमेज है तो इमेज को कैसे हम लोग उसको मतलब स्टेटमेंट में अगर आएगा तो क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है, तो उसको भी उस तरीके से पढ़ना है और समझना है। तो इसका जो आंसर है वो देखो ये सिंपल से लाइन सब छोड़ देते हैं, लेकिन इसका आंसर है कि परसिस्टेंस इवन आफ्टर क्वेश्चन, देखो इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ यू हाई मैन इज नॉट अ रिलेबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, तो ये क्या हो सकता है कि फर्स्ट क्वाइटस के बाद भी ये प्रेजेंट रह सकता है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
ये जो क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी से अगेन है, तो यहाँ पे क्राई वन ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी, इट्स नॉट क्राई वन ए बी, तो ये दोनों किसके लिए, कॉटन बॉलवर्म के लिए, एंड क्राई फर्स्ट ए बी तुम्हारा कॉर्न बॉरर के लिए। देन नेक्स्ट जो है तुम्हारा जीन थेरेपी से तुम्हारा है कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवेन इन 1990 तो 4 ईयर ओल्ड गर्ल को विथ एडनोसिन डाई एमिनेस डिफिशियंसी के साथ, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो तुम्हारा हो जाएगा वो क्या है कि अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट इम्फाइसिमा, तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ से है, एनजीओ। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे देखो, ये वाला जो पैरा है उसमें दिया हुआ है कि एल एच एक्ट्स एट द लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजेन, इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एल एच एक्ट करता है तुम्हारा लीडिंग सेल्स पे, ठीक है, एफएसएच एक्ट नहीं करते, तो ए जो स्टेटमेंट वो तुम्हारा फॉल्स हो गया। देन जो तुम्हारा ग्रोइंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज होता है, तो यस, यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन रिलीज बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, तो सेकंड स्टेटमेंट तुम्हारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरीके से ये सर्टेन रीजन टाइम मैच द फ्लोइंग या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है तुम्हारा, ये सब जो है तुम्हारा एक चैप्टर से लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लाइन से डिफरेंट टॉपिक्स से है, तो अगर आपको वो चीज़ें याद है प्रॉपर, आपने रिविजन करी है, तो आप एकदम यू बना सकते हो क्वेश्चन। अगेन जो हमारा मैथ द फ्लोइंग, तो ये क्वेश्चन जो आएगा तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से, ये पूरे चैप्टर से आएगा, तो ये वाला जो अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें पूरा चीज दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तो जो टी आई प्लाज्मा स्टैंड्स फोटो टी आई, यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है कि द ट्यूमर इंड्यूसिंग का मतलब होता है टी आई प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है असर्शन रीजन टाइप, तो असर्शन और रीजन के आप लोग देख लीजिए, तो मैं फटाफट से बताती हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला जो है यहाँ पे देखो, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, एंड ये ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि तुम्हारा देखो द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम विच कंटेन द सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्यूटली इसेंशियल डेवलपमेंट रेजिस्टेंट फॉर द न्यू बेबीज, ओके, एब्सोल्यूटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बेबीज। तो तुम्हारा दोनों स्टेटमेंट सही है तुम्हारे, एंड जो रीजन है वो असर्शन के लिए एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी पिनवर इक्विलिब्रियम, तो ये जो क्वेश्चन है इवोल्यूशन से आया हुआ है, तो यहाँ पे देखो कि 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट द हार्डी पिनवर इक्विलिब्रियम, दिस आर जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सेलेक्शन। तो कौन सा नहीं होगा, तो कॉन्स्टेंट जीन पूल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हारे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन दिया हुआ है, तो इसको तुम्हारा करेक्ट सीक्वेंस में बताना है, पास्ट टू रिसेंट। तो अगर तुम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ते हो तो तुम इसको बता सकते हो, तो मैं बताती हूँ कैसे कैसे होगा यहाँ पे। तो यहाँ देखो, फर्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, होमो हैबिलिस, देन तुम्हारा होमो इरेक्टस, फिर नीदरथल मैन, एंड देन होमो सेपियंस। अगर आपने पढ़ा है तो ये काफ़ी ईजी है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी से, ये डायरेक्ट ये तुम्हारा दे दियो है फिगर, एंड इसमें पूछ रहा है एक्स और वाई क्या है, तो एक्स वाई क्या है, ओराई एंड रोप है, तो ओराई के बारे में यहाँ पे दिया है, मतलब ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें देखो यहाँ पे पढ़ोगे ना, तो दिस सिक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, एंड रोप के बारे में कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे इटसेल्फ ये जो डिस्क्रिप्शन दिया उसमें दिया है कि रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, लेकिन विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। तो पहले इसके लिए जाना पड़ेगा कि ये यूज किस में होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे थायमिन आएगा उसके जगह पे हम लोग को यूरासिल कर देना है, तो ये पूरा एग्जैक्ट तो ऐसे नहीं कहेंगे कि लाइन से है, लेकिन ये एनसीईआरटी से ही है, ये ट्रांसक्रिप्शन में आपको पढ़ाया जाता है, ये बताया। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप यहाँ इस लाइन से देख सकते हो कि जीएनआरएच जो होता है वो रिलीज करता है तुम्हारा 2 गोनेडोट्रोपिन्स, एक एलएच, दूसरा एफएसएच। तो एलएच किस पे वर्क करेगा, लीडिंग सेल्स पे वर्क करेगा, तो जो हमारा एलएच के नीचे क्या हो जाएगा, लीडिंग सेल्स हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एफएसएच हो जाएगा। एफएसएच किस पे काम करता है, सार्टोली सेल्स पे काम करता है, एंड स्टिमुलेट कराता है क्या, सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स का, जो कि इस पर मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। देन इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगेगा कि एनसीईआरटी का एक एक चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग ये चीज़ छोड़ देते हैं, इसको याद कैसे करें, लेकिन इस बार एनटीए ने डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन को उठा करके रख दिया है। तो ये 3 एरा दिया हुआ है तुम्हारा,
इसमें कौन सा दिया हुआ है? पहले जोइक एरा, मेसोजोइक एरा एंड तुम्हारा हो जाएगा सीनोजोइक एरा। एक एरा नहीं दिया हुआ है, तो अगर हम लोग को तीन के बारे में पता है तो किसमें क्या डेवलप कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, चौथा का हम लोग अपने आप लगा सकते, जो बच गया वही हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि एक एक चीज़ एनसीईआरटी का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी छोड़ करके नहीं जाना है। तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5sRNA एंड SNRNA। उसके बाद जो तुम्हारा है कि इधर देखो फिर कि टर्मिनेशन फैक्टर किसको बोलते हैं, रो टू इनिश टू क्या करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए ट्रांस। बात हुई स्प्लाइसिंग, तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। ये तुम्हारा एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में अगर तुमने ये पढ़ा होता तो ये तुम्हारा एकदम से लग जाएगा, कैसे कैसे क्या करना है सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। सो हम लोगों ने पूरा देख लिया कि 12th से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस चैप्टर से आए, किस लाइन से आए हैं नीट 2024 में। अब हम लोग देखेंगे कि 11th के किस किस चैप्टर से, किस किस लाइन से क्वेश्चन आया, तो उसको भी हम लोग पहले जूलॉजी बॉटनी ऐसे करके हम लोग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटिक कोर ऑफ क्रोमोजोम, ये किस फेज में होता है? तो ये हमारे मेटाफेज में होता है। यहाँ पे देख, मेटाफेज इज कैरेक्टराइज बाय ऑल द क्रोमोजोम कमिंग टू लाई इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटिक कोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल टू इट्स सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया? मेटाफेज स्टेज का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो जाएगा, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है वन ग्लूकोज के लिए दिया, तो वन ग्लूकोज में कितना, 6CO2 को फिक्स करने के लिए, अगर वन को करने के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, 3 ATP एंड 2 NADPH हमारा रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आया वो तुम्हारा सेल साइकिल एंड सेल डिविजन से आया। ये जो दिख रहा है आपको ये पेज, ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पैरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ना हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आया हुआ है कि ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोजोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आया हुआ है कि दे ऑक्सिन के बारे में बात करके, ऑक्सिन जो थे यूज एज हर्बिसाइड एंड टू किल द डाइकोटिलेडंस डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकोटिलेडंस प्लांट, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो आप लोग मैच कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आया हुआ है, तो यहाँ पे देखो राइजोपस जो हो गया ये क्या है, ब्रेड माउल्ड है। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है बेसिडोमाइसिट्स में यूस्टिलेगो स्मट है, पक्सिनिया रस्ट है एंड देन एगारिकस एक मशरूम है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग देख रहे हो कि एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक एग्जाम्पल हर एक इमेज को अच्छे से करना है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग न्यूक्लियोलस के लिए, तो न्यूक्लियोलस के लिए यहाँ पे क्या, इट इज द साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, तो गोल्गी अपरेटस के लिए क्या हो जाएगा, इट इज द गोल्गी अपरेटस द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। और तुम्हारा यहाँ पे प्लास्टिड में बात करेंगे तो जो ल्यूकोप्लास्ट है आर द कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विथ स्टोर न्यूट्रिएंट। तो ये भी हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है, ये यहाँ पे से देखो डी डिफ्रेंशिएशन का एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप पैरेन्काइमा सेल्स। तो आप लोग देख रहे एकदम एनसीईआरटी से उठा उठा करके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, अगर जो थोड़ा बहुत इधर उधर है तो वो भी एनसीईआरटी से ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है और इसका यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है बाय मॉलिक्यूल से पेज नंबर 158 इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, जो कि क्या है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है। ये जो क्वेश्चन है ये आया है चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आपको पूरे याद रखने हैं। तो अगर वो सारे चीज़ एग्जाम्पल वगैरह सब याद है तो आराम से क्वेश्चन लगेगा। लाइक यहाँ पे देखो एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल क्या होता है, मस्टर्ड धतूरा एंड चिल्ली, तो उनमें से एक है। निमोनिक बना करके याद करने की कोशिश करो, कुछ भी फनी सा निमोनिक बनाओ तभी आपको जा करके चीज़ें याद रहेंगी, वरना इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बट यू हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी थिंग।
ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये तुम्हारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, तो यहाँ पे देखो बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में दिया हुआ है। तो व्हेन द बुलिफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव अब्सॉर्ब्ड वाटर एंड अटर्स इट द लीव सरफेस इज एक्सपोज्ड एंड व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो ये लास्ट लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन एंड द फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्म द बेसिस फॉर द डिविजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आया तुम्हारे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, तो अगर आपको पता होगा कि ये किसके बारे में बोल रहा है तो आप बहुत इजिली बता सकते हो। तो कौन सा होता है यहाँ पे देखो, ये जो गार्ड सेल होते हैं वो तुम्हारा क्या होता है द इनर वॉल ऑफ द ईच गार्ड सेल टुवर्ड द पोर ऑफ द स्टोमेटल स्टोमेटल अपर्चर इज थिक एंड जो आउटर वाला होता है वो थिन होता है। तो यहाँ पे भी वही पूछ रहा है आउटर थिन एंड इनर थिक, तो इसमें कौन सा है? तो आपको पता तो चल गया कि तुम्हारा गार्ड सेल, लेकिन इस फिगर में आपको पता करके बताना पड़ेगा। तो इस तरह के इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, एनसीईआरटी को रीड करो तो अपने आप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अगेन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से है, तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली तुम्हारे जो होता है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा से ये तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन सा होगा तुम्हारा। तो अगर तुम इस पैरा को पढ़ते हो टोटली तो तुम्हें पता चल जाएगा किसका कौन सा तुम्हारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल से तुम्हारा आया हुआ है डीएनए के बारे में जो कि क्लोरोप्लास्ट में रहता है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो ऑल्सो क्या कंटेन करता है तुम्हारा स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म से होता है। तो अगर इसी तरह से अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो, यानी कि ये जो रेस्पिरेशन इन प्लांट, अगर इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे, तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे होता है। तो इसके लिए आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ओके देन, देखो मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिखा दिए लाइन से, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन आप भी ढूंढो। तो ये वाले क्वेश्चन है वो आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में इसका आंसर मिलेगा, तो आप लोग इसको ढूंढो और मुझे कमेंट में बताना कि किस किस ने इसको ढूंढ लिया है। तो कमेंट जरूर करना, ओके, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना सीरियस, आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा है कि नहीं, जेन्यून पीपल आप हो या नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से है, तो अगेन ये जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल से उठ करके डायरेक्ट आया हुआ है। लाइक देखो मोनो एडल्फस का क्या है तुम्हारा एग्जांपल, चाइना रोज हो गया, फिर तुम्हारा डाई एडल्फस का क्या है, पॉली एडल्फस का क्या हो जाएगा, एपीफाइलस का क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जस्ट इसके एग्जाम्पल दिए हुए, अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो एकदम ये कुछ भी नहीं, एकदम ईजिली हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है उसमें सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद होने ही चाहिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है कि स्प्रेइंग सुगरकेन क्रॉप विद जिबरेलिन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम। गाइस ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी के बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से है, इस बॉक्स से ये क्वेश्चन है। तो एक एक बॉक्स एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो अगर ये बॉक्स आपको याद है तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्लास 11th का हम लोग ने बॉटनी पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं जूलॉजी के क्वेश्चन की तरफ जो कि लास्ट सेक्शन हमारा होने वाला है। सो लेट्स गो। ये क्वेश्चन है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से, तो तुमको इसको स्टेप वाइज में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे नोड से जा रहा है, ठीक है, फिर इधर ए बी नोड, ए बी बंडल, तो इस तरीके से सारा चीज़ें। तो आप लोग अगर इसको पढ़ते हो तो इसका आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा। तुम्हारा एनिमल किंगडम से है, तो अभी मैंने बताया कि ये फुल ऑफ एग्जाम्पल से भरा हुआ है। तो अगर आपको सारे एग्जाम्पल याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो भी इस चैप्टर से आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है लोकोमोशन एंड मूवमेंट से, तो यहाँ पे देखो सारे ज्वाइंट्स दिए हुए हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंग ज्वाइंट्स हो गया, फिर से तुम्हारा पाइवर ज्वाइंट हो गया, सैडल ज्वाइंट्स हो गया, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हो गया, तो ये सारे ज्वाइंट्स के बारे में दिया हुआ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो इससे भी पहले हम लोगों ने इसमें से क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है तुमको इसको अरेंज करना है स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल को। तो यहाँ पे दिया हुआ है जी वन फेज, एस फेज, जी टू फेज एंड उसमें और भी क्या क्या सारी चीज़ें आएंगी, तो इसको आप अगर डिटेल में पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अगेन सेल्स है, तो सेल देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा चैप्टर है। तो यहाँ पे देखो एक्सोनिम, एक्सोनिम ये इसके कोर में क्या होता है, एक्सोनिम इसके कोर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते थे। किसका हो गया, सिलियन फ्लैजिला का हो गया, एंड तुम्हारा इसका हो जाएगा कार्टविल लाइक। तो सेंट्रियोल जो होता है उसका कार्टविल लाइक अपियरेंस होता है, और बाकी देखो क्रोमोजोम हो गया, तो क्रोमोजोम का क्रिस्टा हो गया। तो इस तरीके से तुम पढ़ोगे ना तो मिल जाएगा तुम्हें आराम से सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे एनिमल किंगडम से आया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स दिया हुआ है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये बॉक्स याद है तो आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर चूज करना तो ये हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तुम्हारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से है, तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया हुआ है हार्मोन के बारे में कि कौन सा प्रोटीन हार्मोन है, कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन है, आयरोथायरोनिन एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तुमको सारा याद करने हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा एक्सक्रीशन वाले चैप्टर से है, तो यहाँ पे देखो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, एंड जो है लूप ऑफ हेनले में आता, तो जो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो तुम्हारा परमिएबल टू वाटर है बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरीके से सारे वर्ड को तुमको अच्छे से पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है, कम्प्लीटली इम्परमिएबल, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, क्या सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ तुमको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आया हुआ है, पेज नंबर आपका 272 पे। तो यहाँ पे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बताना है आपको, देन फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी एंड देन वाइटल कैपेसिटी देन इंस्पिरेशन कैपेसिटी। ओके, तो सारे कैपेसिटी, एक्सपायरेशन कैपेसिटी, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, तो इसके बारे में आपको देख करके इसको मैच द फ्लोइंग करना है। ये क्वेश्चन अगेन सेल्स है, तो मैंने आपको बताया ना कि ये पेज सेल का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो फिर इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन अगेन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गए, तो यहाँ पे तुम्हारा दिख रहा है कि एल्विओलाई में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड लेस एच प्लस कंसेंट्रेशन होना चाहिए, लोअर टेम्परेचर सारा फेवरेबल कंडीशन होता है, सारा फेवरेबल कंडीशन होता है टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये देख लो नीट 2024 के पेपर में एक क्वेश्चन तुम्हारा कॉकरोच से मिल गया है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, पहले बाकी सारे चैप्टर पढ़ लेना है, देन लास्ट में इसको करना है। तो यहाँ पे इस लाइन से क्वेश्चन आई बिन बोथ द सेक्सेस 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सरसाई। ये क्वेश्चन अगेन तुम्हारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा दिख रहा है कि द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम एंड द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन अगेन एनिमल किंगडम से है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जितने भी बॉक्स तुमको NCERT में दिखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे तरीके से याद करना है। तो इसमें नोटोकॉर्ड्स के बारे में बताया हुआ, तो यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नोटोकॉर्ड्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसको तुम अच्छे से पढ़ो एंड आंसर करो कमेंट में किसका कौन सा आंसर होगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन से, तो यहाँ पे पी वेव QRS एंड टी वेव के बारे में पूछा गया। तो पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, फिर QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में भी दिया हुआ है, टी वेव के भी बारे में दिया हुआ है, तो इस तरीके से तुम्हारे इसका आंसर मिल जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन मैच द फ्लोइंग से है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में इसका आंसर है 333 पेज नंबर एंड 335 पेज नंबर। तो यहाँ पे देखो एक्रोमेगाली के बारे में लिखा हुआ, तो इसको आप डिटेल में पढ़ो एंड मैं शॉर्ट में फटाफट बताती हूँ। देन क्रेटनिज्म इधर हो गया एंड देन एक्सोथर्मिक क्वाइटर, तो सारा क्वेश्चन NCERT से ही। तो अभी तक अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है NCERT से हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से NCERT पढ़ना और कैसे पढ़ना अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा। तो 2-3 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं और इस वीडियो को एंड करेंगे, तो फटाफट से सारे क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा कॉकरोच से दिया हुआ है, तो मैंने बताया ना एक दो क्वेश्चन आते रहते कॉकरोच से, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर है कि ये जो फूड स्टोरिंग जो सैक होता है उसको क्रॉप बोलते हैं, देन तुम्हारा 6-8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होता है जिसको गैस्ट्रिक सीका बोलते हैं, देन तुम्हारा रिंग होता है 100-150 येलो कलर्ड का थिन फिल्म जिसको मैलफ्यूजन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले उठा के कॉकरोच ही पढ़ने लगे, नहीं, कॉकरोच को आपको बाद में करना है। ओके, ये क्वेश्चन तुम्हारा एक्सक्रीशन से आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के लिए तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको पढ़ना, इसका आंसर इसी में है। एक बार पढ़ो तो देखो तो कि तुमको खुद से आंसर मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आप लोग पे छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग बताना।
सो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है बायो मॉलिक्यूल्स के 157 पेज नंबर से, जिसको कि आपको स्टेप वाइज सीक्वेंस करना है। तो अगर आपको चीज़ें पता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ये इसी में दिया हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी क्वेश्चन आया है नीट 2024 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है तुम्हारे एनसीईआरटी से, कुछ भी बाहर से नहीं है। बहुत सारे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है कि एकदम लाइन टू लाइन है, एनसीईआरटी के लाइन से है क्वेश्चन। ओके, तो आपको इसीलिए मैंने बीच में ही बताया है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है एनसीईआरटी को, बायोलॉजी के लिए कौन सा बुक लेना है। तो आपको बायोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही प्रेफर करनी है, और अदर कहीं पे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एकदम क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ो, इसके हर एक लाइन को क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ो। ऐसा सोच के पढ़ो कि अगर ये लाइन आता है तो इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको 100% 360 आउट ऑफ 360 ही बायो में आएगा। और क्वेश्चन जो करना है आपको बता रखे हैं वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देखो उस वीडियो को, तो कैसे कैसे करना है, मैंने पूरा एक कंप्लीट प्लान बताया है 1 ईयर का। तो अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत सही जाएगा बायो, और कहीं पे भागने की ज़रूरत नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। मैंने इसको प्रूव कर दिया है, पूरे क्वेश्चन को मैंने बताया है। तो मुझे लगता है कि अब आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा रिगार्डिंग बायोलॉजी की, बायोलॉजी में कौन सा बुक पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े बायोलॉजी को, कैसे क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इसके बावजूद आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई लव टू आंसर। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, इसको शेयर करो उन सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, जो कि जिनको पता नहीं है कि बायोलॉजी में पढ़ना कहाँ से है। तो इसको शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि आप दूसरे को हेल्प कर रहे हो। ओके, सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी।